बलून हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, ये बलून फट नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बीजू और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, बीजू के एक्सपेरिमेंट में। क्या आपने कभी कुकर से बलून फुलाया है? तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ, कुकर से मैं बलून फुलाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, मैंने कुकर दिखाता हूँ। ये रहा कुकर और अभी मैं इसमें डालूंगा पानी। ये मैंने पानी डाल लिया है और ये रहा कुकर जिसमें मैंने बलून लगा दिया है। तो अभी मैं इसको कुकर को बंद करूंगा। तो अभी देखेंगे कि क्या प्रेशर कुकर के अंदर जो गर्म पानी होता है उससे भाप बन के क्या सारे को ये फुला पाएगा या नहीं फुला पाएगा। चलो देखते हैं, अभी देखेंगे कि इसमें ये बलून जलेगा या फूलेगा या नहीं फूलेगा। तो वेट करते हैं। ये बलून देखो थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। देखो हमारा बलून फूल रहा है। धीरे धीरे फूल रहा है। मेरे को लगता है अभी टाइम लगेगा क्योंकि अंदर प्रेशर जम रहा है। तो इस प्रेशर को हम देखेंगे कि कब यह बलून फूलेगा। अभी थोड़ा ही फूला है। मुझे डर है कि यहाँ से कहीं पिघल ना जाए मेरा बलून। बलून कितना फूल गया है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बलून। बहुत सोचा कि कुकर से क्यों ना ये फूलेगा या नहीं फूलेगा। तो मैंने आज ट्राई करके देखा है, तो आप कुकर से भी बलून फुला सकते हो। फिलहाल तो फूल रहा है, देखते कितना बड़ा फूलता है। काफी अमेजिंग है, ये बलून फूल रहा है और इसके अंदर देखो थोड़ा भाप आ गया है गर्म पानी का। मुझे तो डर लग रहा है कि कुकर ना फट जाए। कुकर फटेगा नहीं, पहले तो बलून ही फटेगा। मेरा बलून धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अरे अरे एकदम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बलून। प्रेशर अभी धीरे धीरे बन रहा है। बलून काफी गर्म हो चुका है। बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, काफी बड़ा हो रहा है। अभी प्रेशर काफी बढ़ गया इसके अंदर। ये देखो कितना बड़ा हो गया हमारा बलून। हमने उठा के एक्सपेरिमेंट किया है, हमारा बलून बड़ा हो रहा है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे फट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए काफी बड़ा हो गया हमारा बलून। देखते कितना बड़ा होगा ये।
हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अरे ये बड़ी बलून कितना बड़ा हो गया हमारा ये बलून। क्या आपने कभी प्रेशर से प्रेशर कुकर से क्या आपने कभी बलून चलाया है सॉरी फुलाया है? ये हमारा बलून जो कितना बड़ा हो गया। ये बलून हमारा बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन जल नहीं रहा है, गर्म काफी हो गया लेकिन ये बलून फट नहीं रहा है। काफी तेज धमाका होगा अभी जब बलून फूटेगा। काफी मॉइस्चर जमा हो गया, देख सकते हो मॉइस्चर काफी जमा हो गया इस बलून में। लेकिन बलून अभी तो फटा नहीं है। मैं थोड़ा दूरी हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अंदर से गर्म पानी निकलेगा कुकर से, तो क्यों हम दूर हो जाते हैं। काफी बड़ा हो रहा है ये बलून, फट गया हमारा बलून। बलून फट गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से बलून फट गया है। ये बहुत गर्म हो गया था ये बलून, तो उस प्रकार से हमारा बलून फट गया। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।